लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान कितना अहम है, इसका उदाहरण जनपद बुलंदशहर में देखने को मिला। यहां अपनी बारात में जाने से पहले शेरवानी पहनकर आए दूल्हे ने मतदान स्थल पहुंचकर मतदान किया। बुलंदशहर के देवीपुरा का रहने वाला युवक बलराम कॉलोनी के लोगों के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर घुड़चढ़ी की रस्म पूरी करने के बाद चारखंबा स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचा और अपने मत का प्रयोग किया। मीडिया कर्मियों ने जब दूल्हे से बातचीत की तो दूल्हे ने बताया कि वह 2 महीने से बारात में जाने के लिए प्लान बनाए बैठा था। हालांकि मतदान करने के बाद बलराम बुलंदशहर के देवीपुरा से बारात लेकर अपनी दुल्हन को लेने गाजियाबाद के लोनी के लिए रवाना हो गया। बलराम अभी कराए 9:30 बजे करीब। तो पहले से ही प्लान बना रखा था या अचानक आपको याद आया? पहले पहले प्लान बन रहा था सर, बारात जेपी का कार्य करता हूं। तो आपका मतलब प्लान था कि बारात से जाने से पहले आज डाल के जाऊंगा उसके बाद। वहीं दूसरी तस्वीर सियाना विधानसभा क्षेत्र से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में बनाए गए आईसीयू वार्ड में मतदाता वोटिंग करने पहुंचा। ये मतदाता गंभीर बीमारी से ग्रसित बताया जा रहा है और इसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने बताया कि वोट की ताकत क्या है। दरअसल प्रशासन की ये तैयारी थी कि इस तरह के लोग भी आसानी से मतदान कर सकें, इसके लिए डॉक्टर्स ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आईसीयू वार्ड बनाया था। ग्रसित मुकेश त्यागी अपोलो अस्पताल दिल्ली से मतदान करने पहुंचे अपने निजी वाहन से सियाना। वाहन में पूरी सुविधाओं से लैस है वाहन। आईसीयू वार्ड बनाकर भेजा है डॉक्टर साहब ने, जो है अपनी निगरानी में वाहन को। और यह है मुकेश त्यागी। आप आज कहां से आ रहे हैं सीधे? अपोलो से। कितने दिनों से बीमार हैं आप? 3 महीने। तो आज आप काहे के लिए आए हैं? वोट देने। अच्छा, किस क्या बीमारी आपको, क्या हुआ बीमारी में? ऑपरेशन हुआ है। और ये देखिए पूरे सुविधाओं से लैस जो है डॉक्टर साहब की निगरानी में इसे आईसीयू वार्ड बनाकर भेजा गया है। इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नेबुलाइजर, दवाइयां, सभी चीज सुविधाओं से लैस है। गंभीर बीमारी से ग्रसित इस मरीज को अस्पताल से लाकर ट्रॉली के वार्ड में भर्ती कर मतदान केंद्र पर भेजा गया, जिसके बाद मतदाता जागरूकता की मिसाल बने इस व्यक्ति ने वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना धर्म निभाया। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।